लगता है इसके जीवन में इस तरह सुख नहीं लिखा है, पता नहीं कौन इसका हाथ थामेगा। आप हाथ थामेंगे इसके? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अभी तो आप बोल रही थी ना अच्छा है अच्छा है अच्छा है, तो बोलिए ना, हाथ थामेंगे इसके? यस, मैं थामूंगी समय रुका हाथ। क्या आपको इस रिश्ते से एतराज है? नहीं नहीं नहीं, मुझे मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है मुझे ये रिश्ता, कोई एतराज नहीं है। सुजी मैडम, ऐसा पनिया, हाँ तैयारी कर, तू तैयारी कर। इतना के हल्दी के साथ साथ ना सूची मैडम कभी हल्दी करवा देंगे सुमिंदर के संग। टर्मरिक। मैडम को लेकर जाओ, तैयारी करो जल्दी। हल्दी लगने से स्किन ड्राई हो जाती है, इसलिए हल्दी लगने के बाद ये क्रीम लगा लेना। उसके बाद कीड़े के बीज और गुलाब की पंखुड़ी को पीस कर उसका लेप लगा लेना। इससे तुम्हारी स्किन मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी। समर, हेलो, मेरी एंजल, आज की हल्दी लग गई जी? बस लगने वाली है। मेरी गुलबदन हर चीज में बहुत देर करती है, इसी वजह से मेरा इंतजार और बढ़ता है। अच्छा, क्रीम तो लगा रही हो ना? गुड, अपना ख्याल रखना और अपने रंग रूप का। जो शेड कार्ड मैंने भेजा है उसे अपने चेहरे के रंग रूप से चेक करना, कहीं भी जरा सी भी रंगत कम नहीं होनी चाहिए। इतनी निखर जाओ कि शादी के बाद जब मैं तुम्हें पहली बार छूं, आपको कुछ और कहना है? आपने फोन क्यों किया था? सच बताऊं तो तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, दिल कर रहा है कि अपने हाथों से तुम्हें हल्दी लगाऊं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। ओह, एक मिनट। देखिए, आज मिलने का तो सोचेगा भी मत। वो क्या है ना, हल्दी के दिन अगर दूल्हा दुल्हन को देखता है तो अपशगुन माना जाता है, और हमें तैयार भी होना है। आपको भी लगनी है ना हल्दी? आप भी तैयार हो जाइए, हम फोन रखते हैं। इतनी आसानी से फोन काट दिया, वो भी हल्दी के लिए। हल्दी तो 2 घंटे में उतर जाएगी, और हमने जो तुम्हें अपने दिल में बसा लिया उसका क्या? वो तो कभी उतरेगा नहीं ना दिल से।
और हम एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं मेरी जान, तो फिर हम एक दूसरे के लिए अपशगुन कैसे हो सकते हैं? और रही बात हल्दी लगाने की, तो जो बात मेरे दिमाग में आ जाती है उसे मैं दिल से पूरा करता हूँ। फूल की तरह खिलकर आना मेरे पास, ताकि लोग ये ना कहे कि मैंने कली को मसल दिया। बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हमें हमेशा से आप जैसी देवरानी ही चाहिए थी। मन्नु तो सिर्फ समझौता है, भगवान ने हमरी सुन ली। अब रस्म शुरू करते हैं। अरे वाह बिटिया, आ गई तुम, हम तुम्हें बुलाने ही वाले थे। चलो। अरे ऐसे क्या देख रही हो, आज बड़ा ही शुभ दिन है। तुम्हारे साथ साथ सुमेन की भी हल्दी हो रही है सुजी मैडम के साथ। आप ये क्या कर रहे हो? इस शादी के लिए आप कैसे मान गए? अच्छा, पैसों की चमक देखकर आप सब कुछ भूल गए ना? भैया हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भैया सरोज ने भाभी के बारे में सोची। सरोजनी भाभी के साथ अन्याय होगा। अरे इंद्रा बिटिया शांत हो जाओ। क्यों, हम क्यों शांत हो जाएं अम्मा? सरोजनी भाभी के साथ अन्याय हो रहा है और हम शांत हो जाएं? नहीं, हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकेंगे और ना ही आपको हल्दी लगाएंगे। मैं जाकर इंद्रा से बात करती हूँ। प्यार करती हूँ अपनी भाभी से। आपसे मतलब? मेरी भाभी नागू में एक ही और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। मैं भी नहीं। मैं भी नहीं मतलब आप समझते क्या हो अपने आप को? आप अमीर होंगे अपने घर पे, लेकिन हमारी भाभी के जूते के बराबर नहीं हो, समझी? जाइए यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी आपसे। तो मैं आपके भैया से शादी कर सकती हूँ ना? भाभी आप कमाल है, हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपने ये सब कुछ। लेकिन एक बात तो माननी पड़ी, सच में
ये बस आप ही कर सकती है। सुजी मैडम, इंदिरा जाओ, थोड़ा बाहर जाओ, दो मिनट सुजी मैडम से बात करना है उनको। बाय इंदिरा। अब क्या है ना, आप हमारे घर की बहू बनने जा रही हैं, सब कुछ यहाँ आप ही के हिसाब से हो रहा है, आपको मजा तो आ रहा है ना इस शादी में। सुनिए सुजी मैडम, एकदम शुद्ध देसी तरीके से शादी कर रहे हैं हम। हम लोग ऐसे ही हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए लोग, परंपरा को छोड़ते नहीं है, हर रस्म हर रिवाज एकदम विधिवत पालन हो रहा है सबका। छोटी सी बात छूट गई, मतलब हमारा मतलब जो हमारी महान परंपरा है ना, जो हमारे महान रीति रिवाज है, जिस परंपरा के लिए हजारों लड़कियां वेदी पे चढ़ गई, वो छूट गया है। अब क्या है, आपकी भी गलती नहीं है, आपके देश में वहां लंदन उंदन में सब तो होता नहीं होगा ना, आपको पता होता तो आप कर ही देती, हम जानते हैं। क्या पूरा नहीं हो पाया है मिस्टर दुष्यंत? हाँ नहीं 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 नहीं, कुछ मतलब कुछ ऐसे बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, आप बुरा मत मानिए, कुछ नहीं है, लेकिन अब आप पूछ दिए हैं तो हम बता ही देते हैं। क्या है ना, शादी में लड़की वालों की तरफ से एक शगुन आता है, हल्दी मेहंदी के पहले शगुन आता है लड़के वाले के यहाँ, बस वही नहीं आया आपकी तरफ से। क्या है ना सोची मैडम, ये जो हमारा गांव है ना, हमारी बिरादरी सब छोटे लोग, छोटे छोटे लोग, पुअर पीपल, दिमाग से कम सोचते हैं। अब वो अलग अलग बातें कर रहे हैं कि अब शगुन हो जाएगा, अगर शगुन नहीं आया तो ये बुरा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, अब जितनी मुंह उतनी बातें, तो अब किसका किसका हम मुंह बंद कराए। हमने सोचा आपको खाली ये बता देते हैं, और एक बार शगुन आ गया तो हम भी उनको उनका मुंह बंद करा देंगे, ये देखो हो गया। I don't understand. शगुन मतलब? वर दक्षिणा, वर दक्षिणा 20 लाख रुपए दे दीजिए शगुन में। अरे मैडम ये तो आपके लिए 20 लाख क्या है, वो चना कुरमुरा जैसा होगा, वो क्या बोलते हैं उसको, मनी मनी पीनट मनी, हाँ आपके लिए तो पीनट मनी जैसा है ये। लेकिन क्या है ना, गांव वालों के लिए, छोटे लोगों के लिए, जो हमारी बिरादरी के हैं ना, बहुत बड़ी बात है, इनके मुंह पे 20 लाख मार देंगे, चेक में ही दे दीजिए, तो मार देंगे, मुंह बंद करा देंगे, फिर हल्दी शगुन सब शुभ शुभ। यू मीन टू से डॉरी? अरे नहीं 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 नहीं, आप मुझसे दहेज मांग रहे हैं? अरे नहीं नहीं, राम 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 राम, ऐसी बात कर रही है आप, नहीं तो हमारे बस में नहीं है शगुन, नहीं तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते, ये तो समाज बिरादरी के दबाव में आके हम बोल भी दिए हैं। जितने नाते रिश्तेदार है ना सुजी मैडम, सब घुटना टेक के बैठे हैं, बोल रहे हैं जब तक शगुन नहीं आएगा, हल्दी चंदन ये सब होने ही नहीं देंगे हम। देखिए सुजी मैडम, चिंता करके आप हमें गलत मत समझिए, हमारा तो मानना है ना कि जब दो दिल मिल रहे हैं ना, आपका और सुमेंदर का, तो सब खुशी खुशी शादी ब्याह हो जाए, और फिर जो परंपरा है, रीति रिवाज है, जो रिश्तेदार है, समाज है, उनको भी काहे दुखी होने दे, है कि नहीं मैडम, है ना, एग्री? बस शगुन दे दीजिएगा, उसके बाद हल्दी चंदन मेहंदी मेहंदी सब हो जाएगा। अरे सुमेंदर बेटा, आए सुमेंदर, क्या है ना, पंडित जी का आज फोन आया था, वो बोल रहे थे कि आज ना तुम दोनों के लिए ये हल्दी का मुहूर्त शुभ नहीं है, तो कल करेंगे, कल क्यों सुजी मैडम, ठीक है ना, तो कल कर लेंगे, तब तक आप वो रस्म रिवाज। okay. ठीक है मैडम, आप देखे, मैं जा रहा हूँ, बैंक अकाउंट नंबर वह बताओ जल्दी।
से आएंगे इतने पैसे? सुमित्र मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, अचानक बाबूजी ने आके वोट लगा दी। हमें तो कोई राह दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है बछुआ। हम देंगे पैसे। अरे अम्मा, कहां से करोगी जुगाड़? अरे 20 लाख का जुगाड़ है, 20 रुपए का जुगाड़ नहीं है। 20 रुपए जुगाड़ करने में तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती है, कहां से लाओगी 20 लाख? हाँ बड़ी बात तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। ये तुम दोनों की अकेले की लड़ाई नहीं है, हमरी भी लड़ाई है। हम भी अपनी बहू को पाना चाहते हैं। करेंगे जुगाड़। लेकिन कैसे माँ जी, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? नदी में से एक लोटा पानी निकाल कर नदी में ही लुढ़का देंगे। तुम्हारे बाबूजी की तिजोरी में बहुत ही सारा नगद पड़ा हुआ है, महीनों से गीने भी नहीं हैं, बस उसी में से निकाल कर दे देंगे। ए निर्जरा, कि तो होने वाले पति ने भेजा है, आपको तो पता होगा क्या है इसमें। नहीं मामी, मैं सच में नहीं पता इसमें क्या है। फोन ऑन नहीं किएगा? आजकल तो फोन का जमाना है, कुछ तो बताए होंगे कि क्या भेजा है। ए निर्जरा, इधर इधर आ, ये देख। अरे तुम्हारे दामाद ने तोहफा भेजा है बिटिया के लिए। अरे हमारा तो अंदाजा है कि इसमें शादी का जोड़ा होगा। ए सपना, ये खोल के देखना। One minute, ये इंद्रा का गिफ्ट है, उनका प्राइवेट है, वो अपने कमरे में जा करे। सोजी मैडम जी, यहाँ प्राइवेट कुछ नहीं होता, ये घर में जो भी होता है सब खुल्लम खुल्ला होता है। नहीं आप ना ये विदेशी आदतें छोड़ दो। ये सपना, अरे खोल के देखा जाए ना कि क्या है इसमें। अरे कब से हमरे पेट में हुदहुदी हो रही है। बिल्कुल सही बात बोला दादी ने, हम भी तो देखे क्या भेजा है शौकीन जीजा जी ने। और फिर वैसे भी जब हल्दी इतनी रंगीली थी तो शादी का जोड़ा कितना कमाल का होगा। का है ये आजकल के लड़के भी ना रख लेने वापस रखे। अरे अब जाने दो ना, ऐसा भी तो दुल्हन को ही पहनने की चीज है, कोई कुकुरसियार थोड़े ही पहनते हैं। चलो चलो। कुकुरसियार थोड़ी ना पहनता है। हाँ तो किसने मना किया, पहनाए ना अपने घर ले जाकर, यहाँ सबके बीच भेजने की क्या जरूरत है।
और निर्जरिया। मैं जल्दी से मिटो सभा। सुनो, हम जा रहे हैं इलाहाबाद आज रात में, वहाँ काय रेती का पट्टा मिलने वाला है, तो उसका सौदा पक्का करके और कल हम आएंगे, ठीक है? तब तक सब ठीक रहना चाहिए। हाँ, ढूंढ देंगे आके। तिजोरी की चाबी तो इनके पास है, रात को ही चले जाएंगे तो 20 लाख रुपए का इंतजाम होगा कैसे?